चुनाव में राम मंदिर का कितना असर, थोड़ी देर में राम मंदिर पर जनता की राय भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये हमारा अगला सवाल है जो हमने वोटर्स के सामने रखा, जनता के सामने रखा। चुनाव से पहले आपको दिखाते हैं कि जनता का मूड क्या है न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल पर। तो राम मंदिर का मुद्दा हमने रखा और पूछा कि क्या चुनाव के दौरान राम मंदिर मुद्दा होने वाला है, और जनता की राय हमने जानने की कोशिश की क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। ये सवाल हमने जनता से पूछा मेगा ओपिनियन पोल में, अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा हुआ ये सवाल, जिसका जवाब यहां पर आया है हां में 64% लोग। आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या में, यानी कि अगर 64% देखें तो जिस तरीके से कहा जाता है कि 60% से ज्यादा, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, यानी कि 64% लोग यानी कि मानते हैं कि हाँ और नहीं, 20% और 16% कह रहे हैं कह नहीं सकते, यानी कि कह नहीं सकते वालों 16% है। लेकिन सवाल देखिए एक बार फिर बताएं कि अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है, 64% यहां पर कह रहे हैं कि हाँ ये इसका प्रतीक है। सवाल बिल्कुल क्लियर था कि क्या राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है, इसी सवाल का जवाब जो ओपिनियन पोल के दौरान मिला है, 64% लोगों का मानना है कि हाँ राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। वहीं 20% लोगों ने यह भी कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, 16% लोग असमंजस में है, उनका कहना कह नहीं सकते कि यह मुद्दा राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है या नहीं है, एकता का प्रतीक है या नहीं है। लेकिन 64% लोग मानते हैं कि राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। राम मंदिर जनवरी 22 जनवरी 2024 को जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया की निगाहें थी, भव्य समारोह हुआ, 64% लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, अनुपम बिल्कुल, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं और मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। प्रेम कुमार जी, ये जो सवाल हम दर्शकों के बीच लेकर के गए और ओपिनियन पोल में जिस सवाल को हमने लोगों से पूछा, 64% लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ प्रतीक है, आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या मानते हैं कि जो लोगों ने ओपिनियन पोल में राय दी है और 16% ये कह रहे हैं कि कह नहीं सकते, उसको भी यहां पर कोट करूंगा। देखिए मेरा मानना है कि धर्म से जुड़े हुए सवाल को जब पॉजिटिव वे में सवाल रखते हैं तो पॉजिटिव आंसर ही आते हैं। और आपने पूछा स्वाभिमान और एकता, हमें तो लगता है आम लोगों को स्वाभिमान एकता ये सब शब्द समझने में भी दिक्कत होगी। सीधा अगर पूछा जाता कि मंदिर बनने से खुश हैं तो और भी शायद परसेंटेज और ज़्यादा अच्छा आता। यही सवाल मैं रखूंगी धर्मेंद्र जी के सामने भी। धर्मेंद्र जी, राम मंदिर जिससे विपक्ष ने खुद को दूर कर लिया, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त आप शामिल नहीं हुए ये कह के कि तो पॉलिटिकल एजेंडा है, अगर इस नजरिए से भी देखें 64% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है। आस्था जी, धर्म अपना निजी विषय है और आस्था हर किसी का अपना स्वाभिमान व्यक्त करने को मौका देता है। तो मुझे लगता है कि जो आप 20% लोग नहीं कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे जो कह रहे हैं कि भाई हमें इसे स्वाभिमान का फीलिंग नहीं आती है और इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति में ला करके ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो गलत कर रही है। धर्म अपना धर्म है, हर किसी का अपना निजी विषय है, आस्था अपना निजी विषय है और उसमें राष्ट्र जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं भी अपना निजी विषय अगर मेरा है तो मैं भी राष्ट्र का एक हिस्सा हूँ, आपका अपना निजी विषय, आप भी राष्ट्र का हिस्सा है, तो ऑटोमेटिकली राष्ट्र मैप हो ही जाता है, उसमें कोई ऐसी नई चीज मुझे नहीं लगती। यानी कि आप ये कह रहे हैं ये जो 64% है जिन्होंने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है, वो विपक्ष से जुड़े लोग हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे। एनडीए को लोकसभा चुनाव में भारी बढ़त, तमिलनाडु का रुख कर रहे हैं हम और तमिलनाडु में देखिए क्या है, 39 सीटों का ओपिनियन पोल आया है, 38 जो है वो एनडीए और तो ये बड़ी खबर यहाँ पर मिलता है, बता रहे हैं आपको तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल जो है, ओपिनियन पोल में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बढ़त, ये बड़ी खबर, एनडीए को भी सीटें मिलने के यहाँ पर आसार है, 39 सीटें तमिलनाडु की जो है वो मेजर फैक्टर यहां पर इस ओपिनियन पोल में, इंडी गठबंधन को बढ़त, यानी कि इंडी गठबंधन के लिए एक अच्छा साइन है, केरल के बाद तमिलनाडु की यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सीटें हैं तमिलनाडु में, अगर 2019 की बात कर ली जाए तो वहां यूपीए को 38 सीटें मिली थी जब 2019 में चुनाव हुआ था तमिलनाडु में, एडीएमके को एक सीट, लेकिन इस बार की बात कर रहे ओपिनियन पोल की बात कर ले तो इस बार भी लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है, 39 में से 5 एनडीए को जाता दिख रहा है और 30 इंडी को, वहीं अदर्स के खाते में 4 सीट भी जाती हुई दिख रही है, यानी कि एनडीए को तमिलनाडु में
खाता खुलता हुआ फायदा होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए गाड़ी आई, गाड़ी पर लिखा है तमिलनाडु में एनडीए को 5 सीट मिलती दिख रही है, जबकि 2019 में खाता तक नहीं खुला था तमिलनाडु में। ये साइन है कि देखिए केरल के बाद तमिलनाडु में भी एनडीए किस तरीके से एक अच्छे प्रदर्शन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये चीज हो रही है कि एनडीए जो है केरल के बाद तमिलनाडु में भी स्कोर्स पा रही है। और 8 सीटों का नुकसान कांग्रेस को दिख रहा है सीधे सीधे। यूपीए 38 सीट 2019 में, जबकि इस बार 30 सीटों पर, यानी कि 8 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है तमिलनाडु में यूपीए को। और अदर्स की बात कर ली जाए तो अदर्स पिछली बार बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर आंकड़े थे, 38 यूपीए के खाते में, वहीं एडीएमके को 1 यानी कि 39 में 1 एडीएमके को, लेकिन इस बार एनडीए को 5 सीट तमिलनाडु में मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को 30, जबकि अदर्स के खाते में 4 सीट। ये फिगर्स मेगा ओपिनियन पोल में तमिलनाडु की 39 सीटों की, देखिए एनडीए 5, यानी कि आप समझ सकते हैं कि दक्षिण के जो राज्य है, जिस तरीके से केरल को हम जिक्र कर रहे थे और जिस तरीके से हमने अब तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए कि वहां के जो लोकल फैक्टर्स हैं वो हमेशा स्टेट लेवल के जो मुद्दे हैं या तमाम जो चीजें हैं वो हमेशा चुनाव में लोकल पार्टीज को फायदा पहुंचाते रहे हैं। ये अब तक का इतिहास तमिलनाडु का रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि एनडीए वहां पर कुछ वक्त पहले तक विपक्ष की ओर से दक्षिण भारत और उत्तर भारत इस तरह की भी एक चर्चा की शुरुआत की गई थी कि उत्तर भारत के लोग तो कैसे होते हैं और दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह की बातचीत हुई थी उत्तर दक्षिण करने की कोशिश। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एनडीए कामयाब होती दिख रही है अब दक्षिण में खाता खोलते हुए। और इस सवाल का जवाब मैं कौशल कांजी से लूंगी। कौशल कांजी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कौशल कांजी, क्या सुकून देने वाले ये आंकड़े आपको लग रहे हैं? हालांकि ये ओपिनियन पोल है और मेगा ओपिनियन पोल है, तमिलनाडु को लेकर बहुत सारे कदम उठाए बीजेपी ने, चाहे वो तमिल काशी संगमम हो, तमिलनाडु का सेंगोल हो, बार बार पीएम के भाषण में तमिलनाडु का जिक्र होना और तमिलनाडु में एक से एक रैली जनसभा को संबोधित करना, जहां कुछ नहीं था वहां 5 होता दिख रहा है। देखिए, जब काम किया जाता है, पूरे देश के लिए काम किया जाता है, लाभार्थियों को राशन दिया जाता है, घर दिया जाता है, नल से जल दिया जाता है, उनको स्वास्थ्य की योजना दी जाती है, तो पूरे देश में जाती हैं, उसमें कोई तमिलनाडु केरला कर्नाटका की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और जो हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा काम धरातल पर नजर आ रहा है, जनता के बीच में हम अपनी जगह बना पा रहे हैं, जहाँ पर हम नहीं थे, जहाँ पर हमारा हम कभी पार्टिसिपेट नहीं किए, हमारे लोग थे लेकिन अब पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और इस बार देखिए 5 सीटें आ रही हैं। ओपिनियन पोल ये अग्रीड ओपिनियन पोल है, लेकिन 0 से 5 सीटें आना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि आगे चल के ये नंबर बढ़ भी सकता है और बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि हम काम पे विश्वास करते हैं, हम राष्ट्र पे विश्वास करते हैं। आज जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि हम 5 साल की बात नहीं करते, हम अभी से लेकर 47 तक की बात करते हैं, इस 25 साल में हम लेकिन, अगले लेकिन 1000 के देश का एनडीए गठबंधन तो कुनबा जोड़ने में लगे थे और यहाँ तो अब अगर इस ओपिनियन पोल को देखा जाए तो वो कुनबा तो बिखर गया और उसके बाद फिर ये नुकसान हो रहा है। देखिए, उनकी बेरोजगारी महंगाई और गरीबी की जो वो बात करते हैं, वो बेरोजगारी महंगाई गरीबी उनके में आ गई है। आप सोचिए, वो लोग तो बेरोजगार ही समझेंगे ना, जो लोग गमले में 7 करोड़ की गोभियां उबा लेते थे, जो 10 एकड़ के खेत में 700 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फाइल कर लेते थे, उनमें तो गरीबी आ ही जाएगी, उनमें गरीबी जरूर आ जाएगी। ठीक है, लोगों को धर्मेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले, प्रदेशों में जमीन मिल जाती थी उनको, तो ये गरीबी और बेरोजगारी लेते हैं, फिर आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से बोलेगा धर्मेंद्र जी। झोले में पीएम केयर फंड जमा होता है, कितने 1000 करोड़ जमा हो जाते हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बात नहीं करेंगे। बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोगों का इलाज हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उपलब्धि हो सकती है, ये उसका मैनेजमेंट हो सकता है, उसका सुशासन हो सकता है, उसका गुड गवर्नेंस हो सकता है। ठीक है, ओपिनियन पोल पर, ओपिनियन पोल पर, ओपिनियन पोल पर चर्चा करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से की भी बात करते हैं कि हरियाणा में ओपिनियन पोल के बाद तस्वीर साफ हुई है, ये हम आपको दिखा देते हैं। हरियाणा में कुल सीटों की संख्या 10 है और 10 सीटों पर सर्वे किया गया, लोगों से बातचीत की गई, तो क्या कहना है लोगों का? हरियाणा में मजबूत स्थिति में है एनडीए। जी हाँ, ये बड़ी खबर, हरियाणा में एनडीए की ताकत यहाँ पर दिखती हुई इस ओपिनियन पोल में दिख रही है। हरियाणा में एनडीए, आप बता दें कि आपको एक बड़ी ताकत के रूप में 10 सीटें हरियाणा में है और सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा में हालिया तौर पर जो रिशफल हुआ है उसका असर क्या मिलेगा ये तो यहाँ पर 2019 में 10 में से 10 बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में सीटें गई थी हरियाणा में, क्या वो रिपीट होगी तस्वीर
सर्वे के हिसाब से क्या समझ में आती है बात, ये हम बता देते हैं। सर्वे में जब लोगों के सामने हरियाणा में सवाल रखा गया, अलग अलग सवाल रखे गए, प्रधानमंत्री का सवाल रखा गया उनके सामने, साथ ही सवाल रखा गया बेहतर नेता कौन, कई सवाल सर्वे के दौरान के रखे गए, तो उन सवालों के जवाब जो मिले हैं उसके आधार पर क्या तस्वीर बन रही है ये हम आपको बता देते हैं कि 10 में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, कितनी इंडी के खाते में जाती दिख रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 10, बिल्कुल, यानी कि रिपीट होती तस्वीर दिख रही है कि 10 में 10 फिर एनडीए के साथ हरियाणा की ये तस्वीर दिख रही है। ये सुपड़ा साफ होने वाली स्थिति है, क्लीन स्वीप की स्थिति है, और ये यहां पर बताता है कि हरियाणा में देखिए किस तरीके से एनडीए का मेनका दबदबा पूरी तरह से कायम है, और वहां पर इंडी गठबंधन या और जो फैक्टर्स जिसको कि प्रभावी होने की चर्चाएं लगातार की जा रही थी वो सारे धराशायी होते यहां पर इस ओपिनियन पोल में नजर आ रहे हैं, और सीधा फायदा एनडीए को एक बार फिर 2019 की तरह मिलता दिख रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि 2019 से पहले अगर हम 14 की बात कर ले तो हरियाणा में उस वक्त एनडीए को 7 सीट मिली थी, और 2019 में सीटों की संख्या बढ़ गई थी, 3 जुड़ गया। अब देखिए, अब इससे ज्यादा बढ़ तो नहीं सकता, लेकिन ये डर जरूर बीजेपी और एनडीए को कि कहीं घटे ना, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में जहां पर एनडीए ने 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, बहुत मुश्किल होता है उस प्रदर्शन को बरकरार रखना, तो हरियाणा में बरकरार रखते हुए एनडीए अपने प्रदर्शन को दिख रही है। 10 लोकसभा सीट, 10 में से सर्वे के आधार पर जो तस्वीर बन रही है, 10 में से 10 फिर बीजेपी को जाती हुई ये सीटें नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को मायूसी, अदर्स को मायूसी एक बार फिर हरियाणा में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा अगर इस पर धर्मेंद्र जी का एक छोटा सा रिएक्शन ले लिया जाए, क्योंकि ये जो फिगर्स है ये इंडी गठबंधन के लिए काफी निराशाजनक है, और धर्मेंद्र जी आपका कुनबा तो बिखरा ही, लेकिन दक्षिण में भले ही कई जगहों पर आप अपनी पहुंच बना पा रहे हैं या बरकरार रख पा रहे हैं, लेकिन आते आते उत्तर भारत में स्थितियां बहुत खराब होती दिख रही है। अनुपम जी, इस बात से बहुत हंसी आती है, जेजेपी जो पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा थी तो कुनबा उनका बिखरा है, और आप बता रहे हैं कुनबा इंडिया गठबंधन का बिखरा है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी आनंद फानंद इतनी जल्दी हो गई थी कि हरियाणा से पूरी तरह से सफाया होने की स्थिति बन रही थी, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए। तो आप ये समझिए, आप मुख्यमंत्री बदल दो कोई बात नहीं, लेकिन हरियाणा की जनता आप नहीं बदल सकते, जिनका आपने 10 साल से लगातार शोषण किया है, जिन पे अत्याचार किया है, किसानों के साथ आपने क्या किया है, वो युवाओं के साथ क्या किया है, महिलाओं के साथ क्या किया है, 10 साल तक महंगे सिलेंडर दिए, उसके बाद आपने काम ने 100 रुपया छोड़ दिया, तो ये देश की जनता देख रही है, इनकी चालाकी, इनकी कनिंगनेस देख रही है, उसको रिप्राइज कर रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं, ऐसा हो सकता है किसी दूसरे एग्जिट पोल में 10 से ज्यादा सीटें दिखा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप जनता वही रहेगी, और जो जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन, उसी जनता का मन हम दिखा रहे हैं धर्मेंद्र जी, उसी जनता का मन हम दिखा रहे हैं। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से वो सुन रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अभिमन्यु जी, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जिन सीटों की तस्वीरें हमने दिखाई सर्वे के दौरान, जो बातें सामने आ रही हैं, आप इत्तेफाक रख रहे हैं? अभिमन्यु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए अभिमन्यु जी के पास चलेंगे। रतिभान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। रतिभान जी, कहा यह जाता है कि जब हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं उसको रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, रतिभान जी भी हमारे साथ नहीं है फिलहाल, प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, जहां पर बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का रहा है वो रिपीट होता दिख रहा है? देखिए, सर्वे में जरूर दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शंस लिए हैं बीते दो दिनों में, जो हमने देखा है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि उसको भय है, अब चुनाव में हार का डर है। अपने वोट बेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने ओबीसी सीएम लाया कि हमारा वोट बेस बढ़े, यानी पहले से जो उनका वोट बेस है उस पर उनको भरोसा नहीं रहा। यहाँ ये आंदोलन का सेंटर रहा, और इस दौरान किसान आंदोलन चला, महिला पहलवानों के आंदोलन से भी लोग इमोशनली जुड़े रहे, तो इसे देख करके ये लगता है कि सरकार स्वयं, बीजेपी स्वयं, सरकार न बोले, बीजेपी को ऐसा लगा कि हरियाणा में हमें अपने प्रदर्शन को ठीक करने के लिए खुद को दुरुस्त करना होगा। इसका मतलब है कि वो आशंकित, और ये सर्वे तो कुछ समय पहले का होगा डेफिनेटली, 12 फरवरी से 1 मार्च, तो इसलिए परम आश्चर्य है कि इस आशंका के बावजूद, बीजेपी की आशंका के बावजूद 10 में 10 सीटें मिलती दिख रही हैं।
क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कौशल कांत जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रेम जी जिस तरह की बात रख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि हरियाणा में जो रिसेंटली जो आपने कदम उठाया, आपकी पार्टी ने जो कदम उठाया, उसका असर क्या इस लोकसभा चुनाव की 10 सीटों पर पड़ेगा? मैं इस ओपिनियन पोल से इतर बात कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी को अगर वहां पर कोई नुकसान होना था या कुछ चीजें थी तो आपने उसका आकलन पहले ही कर लिया होगा, आपकी पार्टी ने, इसलिए शायद यह कदम उठाया। देखिए अनुपम जी, सीएम को बदलना, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज करना, ये पार्टी का पुराना और इंटरनल मामला है, इसी को नई राजनीति कहते हैं। और मेरे मित्र जो बोल रहे हैं दोनों लोग, मैं उनसे कहना चाहूँगा 2014 के पहले एक वर्ड प्रो इनकम्बेंसी चुनाव एनालिसिस वाले नहीं यूज़ करते थे, वो प्रो इनकम्बेंसी का वर्ड पहली बार आया है मोदी जी के आने के बाद। आज जहाँ जहाँ मोदी जी की सरकार है वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी हो रही है, यानी कि जनता उनको प्यार दे रही, क्यों दे रही है, क्यों, क्योंकि गरीब को राशन मिल रहा है, राम को आसन मिल रहा है, देश को सुशासन मिल रहा है और जनता को अनुशासन मिल रहा है। और क्या चाहिए, देश को खुशियां चाहिए, देश को विकास चाहिए। आप देखिए पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, दूसरे नंबर पे मोबाइल प्रोडक्शन में आ चुके हैं, नंबर वन पे चीनी प्रोडक्शन में आ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में नंबर तीन आ चुके हैं, हर रैंकिंग में हम ऊपर उठते जा रहे हैं। और इस समय करंट ग्रोथ रेट ऑल ओवर वर्ल्ड हाईएस्ट है, मूडी की रेटिंग के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इस समय है। और 2014 के एक मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 2014 के पहले जो 10 साल की अगर सरकार का देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट 10% रहा है, अभी लेटेस्ट परसों का इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया का है वो 5.4% आया, आधे से भी कम आया है। और इसके मेरे मित्र कह रहे थे इंडी गठबंधन नहीं कुनबा किसका बिगड़ रहा है, अरे जब से इंडी गठबंधन बना है तब से ममता जी चली गई, बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार चले गए, कश्मीर में लौटेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, कौशल कांत जी ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं और ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे सवाल है जो हमने पब्लिक के सामने रखे हैं, उन सवालों के उनके जवाबों को भी आपके सामने रखेंगे। अभी बहुत सारे राज्य बचे हुए हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए आप न्यूज 18 के साथ, क्योंकि मेगा ओपिनियन पोल लगातार जारी।